मेरा नाम कुंवर विक्रम सिंह है और मैं सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में लाखों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक कार्यरत हैं और इनमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से लेके जवान तक के रैंक के जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो इसपे कई सालों से काम करते आ रहे हैं और उसमें डीजीआर का बड़ा एक हाथ रहा है जो डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट है अब इनमें से चाहे वो व्यक्ति किसी भी रैंक का है उसके रैंक के हिसाब से उसको वेतन मिलता है और उनकी जो सेवाएं की जो मापदंड हैं जो उनकी शर्तें हैं वो बिल्कुल ही जो गवर्नमेंट के लेट डाउन रूल्स हैं लेबर एक्ट है ईएसआई है पीएफ है पेंशन है न्यूनतम वेतन है इन सबको ध्यान में रख के किया जाता है और इनका बड़ा योगदान है हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को खड़ा करने में इसको चलाने में इसकी प्रगति में भूतपूर्व सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और है और आगे भी रहेगा इस समय हमारी इंडस्ट्री में कोई पच्चीस हजार के करीब तो सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही हैं जो लाइसेंस शुदा है और इसके अलावा कोई एक करोड़ के करीब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर ऑफिसर काम करते हैं काफी संख्या में फौज के जवान हैं एयर फोर्स हैं नेवी से हैं और मेजॉरिटी जो जितने भी ये लोग जो अभी काम किया है इनको पिछले सालों में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हुई थी उसके अंतर्गत इनको ट्रेन भी किया गया था और इनमें से इंस्ट्रक्टर जो हैं हमारे पूरे सेक्टर में जो ट्रेनिंग देते हैं चाहे सिविलियन गार्ड है गांव से आया हुआ है शहर का है उसको ट्रेनिंग देने के हंड्रेड परसेंट जो लोग काम करते हैं वो सारे फौजी हैं और जे इन फौजियों को हम उस समय सेलेक्ट करते हैं जब जे अपने रिटायरमेंट के आखिरी महीने में होते हैं और अपने रेजिमेंटल सेंटर में चले जाते हैं अपनी पोस्ट रिटायरमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी करने पे वहां पे हमारे मास्टर ट्रेनर जाते हैं ट्रेनर जाते हैं इनके रेजिमेंटल सेंटर्स में और रेजिमेंटल सेंटर में इनको हम एक महीने की ट्रेनिंग देते हैं इनको इंस्ट्रक्टर बनाने के लिए एक सेट प्रोग्राम है बहुत ही बढ़िया है द ट्रेनर का और वहां इनको जब जो कार्यरत होते हैं आखिरी महीने में इनको, इनको इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है अब जरा सोचिए कि फौज में जो तो जवान रिटायर हो रहा है हवलदार हो रहा है सूबेदार साहब हो रहे हैं नायब सूबेदार साहब हो रहे हैं इनको को हम इंस्ट्रक्टर जाने के अध्यापक बना देते हैं इनकी ट्रेनिंग होती है इनको तो पहले से ही ट्रेंड होते हैं ये डिसिप्लिन में हर चीज़ में और बाकी की चीज़ें हैं उसको हम अपने उस कार्यक्रम में करते हैं अब तक हमारे कोई चार हज़ार के करीब भूतपूर्व सैनिक वो ट्रेंड हो चुके हैं एज ए इंस्ट्रक्टर क्योंकि हमने बहुत से लोगों को ट्रेन करना है उसके लिए हमें हजारों हजारों इंस्ट्रक्टर की जरूरत है जो कि भूतपूर्व सैनिक ही काम कर सकते हैं अब यहां तक इनके वेतन का सवाल है जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका वेतन कम से कम पचास हजार के करीब चालीस हजार से पचास हजार का मिलता है इसके अलावा जो फौज से रिटायर होके अफसर आता है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में अफसर जाते जो पांच साल के लिए वहां शॉर्ट सर्विस में जाते हैं कई लोग तो वहाँ पे उनको परमानेंट कमीशन मिल जाता है और बाकी लोग जो बाहर आ जाते हैं फौज से उन शॉर्ट सर्विस कमीशन को मेरा ख्याल है कि 95 परसेंट ऐसे अफसरों को जो कैप्टन या मेजर के रैंक से रिटायर वहाँ से आते हैं शॉर्ट सर्विस की सेवा पूरी करके उनको 95 परसेंट ऐसे अफसरों को बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े अच्छे पद पर डायरेक्टर सिक्योरिटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ऐसे पद के ऊपर उनको नौकरी मिल जाती है जिसकी तनख्वाह दो लाख से पांच लाख तक भी है उनको स्पेशल कोर्सेज करवाए जाते हैं इंटरनेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं उससे ताकि वह फौज आने के बाद जो कॉरपोरेट सिक्योरिटी है जो प्राइवेट सिक्योरिटी की सारी चीजों का ज्ञान हो जाए आज के दिन में हर प्राइवेट जो आपका कॉरपोरेट है बड़ी से बड़ी कंपनी हो वहां के सारे के चीफ सिक्योरिटी अफसर, जो उनके डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं फिर चीफ विजिलेंस अफसर हैं सारे के सारे फौजी अफसर हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसे जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और वो भी बहुत ही बढ़िया पूरा अगर सिक्योरिटी सेक्टर कहीं सुरक्षित है जहां जो प्राइवेट सेक्टर के जो मालिक भी हैं वो फौज से कई लोग तो आके अपनी नौकरी ढूंढते हैं और बहुत से आके अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज भी शुरू करते हैं जिस सिक्योरिटी एजेंसी को काम कराने का काम जो है उनको डी भी करती है और हमारी कैपसी भी करती है और उनको रिसेटलमेंट में पहले ही काम दिया जाता था अब मान के चलिए कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी जितनी एजेंसी चला रही हैं उसमें 80 परसेंट लोग जो कंपनियों के मालिक डायरेक्टर चेयरमैन हैं वो फौजी हैं और आज के दिन में किसी की टर्नओवर तो 50 करोड़ है किसी की 200 करोड़ है किसी की 1000 करोड़ है किसी की 3000 करोड़ है टर्न ओवर कंपनी की प्राइवेट सिक्योरिटी की सिक्योरिटी एजेंसियों में इसका जो बिजनेस है इसमें बड़ा विस्तार हुआ है इसमें एमएचए का बड़ा हाथ रहा है तो विस्तार हमारा 22 परसेंट विस्तार है कि हमारी की दर 22 है और आज के दिन में 30 परसेंट हमारी शॉर्टफॉल है हमारे पास 30 परसेंट एक करोड़ में से 30 जो परसेंट लोग हैं उनकी हमें आवश्यकता है कितना बड़ा नौकरी का इनको चांस मिलेगा अब एक और सरकार की जो नई योजना कैप्सी के साथ मिलकर उन्होंने की है वो अब पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक स्टैंडर्ड बना रही है और स्टैंडर्ड बनाने का मापदंड बनाने का जो काम है वो भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को बी को दिया जो सरकारी संस्था है जो सबके मापदंड स्टैंडर्ड तय करती है ये पहली बार भारत में हो रहा है उन्होंने कहा कि इनके स्टैंडर्ड तय करो हर जो जवान है जो प्राइवेट सिक्योरिटी में कहीं भी काम कर रहा है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए उसकी ज्ञान उसकी कद उसकी सेहत हर चीज स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए अब वो प्रोसेस शुरू हो चुका है उसमें बी के साथ मिलकर कैप्सी ने और साथ में बाकी जो सिक्योरिटी के संगठन हैं उनको उसमें लिया गया है इसमें तो दो तो फौज के मेजर जनरल हैं जो इसको गाइड कर रहे हैं जो सारी स्कीम को बना रहे हैं इसके अलावा बाकी सब लोग टेक्निकल इसकी चीजें बना रही हैं और इसके बाद जब स्टैंडर्ड बन जाएंगे तो जब उनको स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तो वो हाईली स्किल्ड कैटेगरी में लोग माने जाएंगे और जब ये हाईली कैटेगरी आएगी, तो जब अग्निवीर अपनी सेवा का काल पूरा करके अगर वो परमानेंट नहीं बनता है वो बाहर आना चाहता है तो प्राइवेट सेक्टर में उसको एक महीने की और ट्रेनिंग देकर हम उसको बी स्टैंडर्ड के हिसाब से एक बहुत ही हाईली स्किल्ड सिक्योरिटी ऑफिसर बना देंगे सिक्योरिटी साजट बना देंगे उसकी योग्यता के हिसाब से अब उसको बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलेगी सरकार की जो दूसरी योजना जिसमें कैप्सी लग गई है उसमें एम है कि अब उनका जो कार्यक्रम है वो सी जो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है वो पूरे देश के पी में कार्यरत है और बहुत जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है वहां पे काम करती सी एस उसके अस्सी हजार जो उनके सैनिक हैं जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो वाहिदाह हो चाहे दूसरे संगठन हो जगह हो वहाँ पे वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं अब जो सरकार के एक उसने स्कीम उसने हाइब्रिड स्कीम बनाई है ये एम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है हाइब्रिड स्कीम में वो फिफ्टी जो आपके सी के जहाँ भी कहीं लगे हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और टेक्निकल जो बहुत वाइटल इंस्टॉलेशन नहीं है जो बहुत ही सिक्योरिटी के हिसाब से महत्वपूर्ण इतनी नहीं है वाइटल नहीं है वहां पे 50 प्रतिशत तो सी के जवान उसको वहाँ ड्यूटी देंगे और 50 परसेंट वो देंगे जिनको सी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी अब इमेजिन करिए कि धीरे धीरे सी एस एफ क्यों रिप्लेस करेंगे ये सारे लोग जो सी एस एफ के स्टैंडर्ड के साथ इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे जिनको ट्रेनिंग मिलेगी अब एक सी एस एफ के जवान को अस्सी हजार से लेकर एक लाख रुपए तक वेतन मिलता है कुल मिला के अब जहाँ पे सीएसएफ का गार्ड खड़ा होगा वहाँ पे जब जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो जिसमें हम आपकी ट्रेनिंग अग्निवीर को भी कर सकते बाकी लोग भी इसमें आएंगे, और उनकी ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग के सेंटर जो हमारे हैं सब जगह वहाँ पे जो कार्यक्रम होगा जो उसका करिकुलम होगा वो बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा बनाए हुए जो रिजम है एनएस के हिसाब से और सी के स्टैंडर्ड को मिला के हम वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रेनिंग के बाद वो अपने वहां पे एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर एज ए सिक्योरिटी अफसर उनकी योग्यता के हिसाब से उनको वहां पे नौकरी मिल जाएगी और उसके अंदर कार्य जो कहते हैं कैरियर प्रोग्रेसन है एक बार जो व्यक्ति वहां पे सिक्योरिटी सार्जेंट बन गया या सुपरवाइजर बन गया उसको आगे छह महीने एक साल में कई ऐसे कोर्सेज हैं जो नेशनल इंटरनेशनल अप्रूव्ड कोर्सेज हैं जब ऐसे कोर्सेज भी उनको कराएंगे कोई तो ऑनलाइन ओन, हो गए कई कोर्सेज हम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो आरआरयू है जो भारत सरकार की एक नेशनल यूनिवर्सिटी बन गई है सिक्योरिटी के क्षेत्र में जिसमें कैप्सी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ हम उनको कोर्सेज ऑनलाइन और हाइब्रिड में कोर्सेज करवाएंगे जब ऐसे लोग उस वो कोर्सेज कर लेंगे तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में भारत में नहीं उनको नौकरी मिलेगी उनको विदेशों में भी बहुत ही अच्छी नौकरी मिल सकती है आज पूरे विश्व में सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी गार्ड है अफसर की इतनी कमी है कुछ कहने की बात नहीं है पूरा यूरोप बूढ़ा हो चुका है एज्ड हो गए हैं उनकी एवरेज जो उम्र है फिफ्टी सिक्स ईयर है वहां सिक्योरिटी गार्ड बनने को कोई तैयार नहीं आज आप किसी देश में चले जाओ कैनाडा में इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में यूरोप किसी देश में आपको वहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करते भारतीय नौजवान मिलेंगे बहुत बड़ा ऐसा एक एक नया ओपनिंग मिलेगी हमारे इन लोगों को जो अग्निवीर अगर आपके ऐसी सारी ट्रेनिंग में आते हैं तो वो एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड जो आप सड़कों पर देखते हैं कहीं है, ये चेंज होने वाला है अगले छह महीने से एक साल तक ये बिल्कुल सारा चेंज हो जाएगा और जब अग्निवीर अपनी सेवा से वापस आएंगे तब तो कोई इतनी तब्दीली मिल जाएगी है आज के दिन में जितने भी कॉरपोरेट्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये लोग अगर इस ढंग से ट्रेंड हो गए बी का स्टैंडर्ड बन गया कैप्सी के साथ मिलकर जो हम सी के साथ जो हम एक नया सिस्टम इसको बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमने विदेशों में भेजने के लिए जो कॉन्फेडरेशन ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी सर्विसेज जो यूरोप की यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी संस्था है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की उनके सारे देशों को मिला के उनके साथ मिलकर हम कार्यक्रम बना रहे हैं बहुत तरक्की हो रही है इस प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में जो तो इतना जो चीज़ें इनको सुविधाएं मिलेंगी ये वही सुविधाएं जो सरकारी में मिलती हैं ई एस आई ग्रेजुएट लीव पटर्निटी लीव हर तरह की सुविधाएं हैं और कैरियर प्रोग्रेशन के हिसाब से इनको वहाँ पे अच्छी वेतन भी मिलेगा थैंक यू